मैं तो शिवराज सिंह जी को कहता हूँ आ जाइए मंच पर, आप 18 साल का हिसाब दे दीजिए, मैं 15 महीने का हिसाब देता हूँ। होटल द ग्रैंड पैलेस बनाए अपने खूबसूरत व यादगार पलों को और भी खास। द ग्रैंड पैलेस के परिणय बंधन के साथ साईं वाटिका के पास भोपाल रोड का घर। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ टीकमगढ़ पहुंचे थे, जहां उन्होंने नजरबाग में जनसभा को संबोधित किया। साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा। बोले कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान से छेड़छाड़ की जा रही है। दरअसल पूर्व सीएम कमलनाथ ने नजरबाग प्रांगण में राम मंदिर के सामने एक जनसभा को संबोधित किया। उनके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव भी शामिल थे। कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर है। शिवराज सरकार ने पिछले 18 साल में हजारों घोषणाएं की, जिन पर अमल नहीं किया गया। प्रदेश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। प्रदेश में बाहर की कंपनी नहीं आना चाहती, क्योंकि कंपनी वालों से जमीन देने के नाम पर प्रदेश सरकार के नेता मोटी रकम की मांग करते हैं। बेरोजगारी की बात हो जाएगी, पर साथ साथ ऐसा चुनाव देश में नहीं हुआ आजादी के बाद, जहां हमारी संस्कृति और संविधान खतरे में। कौन से रास्ते में हम चलना चाहते हैं, मोदी के रास्ते में या अपनी संस्कृति के रास्ते? आज आपके सामने किस तरह विभाजन हो रहा है। तमिलनाडु में हिंदी का विवाद, खालिस्तान में 35, पंजाब में खालिस्तान के नारे 35 साल बाद सुनने को मिल रहे हैं। ये तो इनकी शुरुआत है। कैसे बांटेंगे धर्म के आधार पर, शुरुआत है, याद रखिएगा। सदगुरु शिवराज सिंह जी कहेंगे कमलनाथ अपना हिसाब दे, मैं तो शिवराज सिंह जी को कहता हूँ आ जाइए मंच पर, उस तरफ आप खड़े हो जाइए, मैं खड़े हो जाता हूँ, आप 18 साल का हिसाब दे दीजिए, मैं 15 महीने का हिसाब देता हूँ। मैं बताता हूँ शिवराज सिंह ने क्या किया। वो तो घोषणा की मशीन है, घोषणाओं की मशीन है, भाषण मशीन चल रही है, झूठ बोलने की मशीन है। और शिवराज सिंह जी, मैं तो नौजवानों सुन लो तुम लोग कि शिवराज सिंह जी ने दिया क्या। वहीं अरुण यादव बोले कि मध्य प्रदेश का टीकमगढ़ जिला जनप्रतिनिधि की गुंडागर्दी में प्रदेश में अव्वल नंबर पर है, भ्रष्टाचार में भी पहले स्थान पर है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं को किसी न किसी केस में फंसा कर उनको परेशान कर रहे हैं। सबसे ज्यादा आतंक किसी जिले में भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा किया जा रहा है, वो हमारा टीकमगढ़ जिला है। यहाँ पर हिटलर शाही कायम है, और अभी बूथ कमेटी की मीटिंग में यादव सिंह जी ने और आपने भी कहा कि हमारा कार्यकर्ता भयभीत है, लेकिन आज मंच के माध्यम से इस सभा में आदरणीय कमलनाथ जी के उपस्थिति में मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि बुंदेलखंड का हमारा साथी किसी से डरने वाला नहीं है। और याद रखो, ये चुनावी साल है, झंडा और डंडा दोनों साथ में रखो, हमें डरने की जरूरत नहीं किसी से। सरकार हम बनाएंगे, कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे, और सरकार एक बार आप आशीर्वाद देकर बना दो, इस टीकमगढ़ जिले की जिम्मेदारी मैं अरुण यादव देता हूँ। सीएम शिवराज सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा कि शिवराज के भाई द्वारा होशंगाबाद में मां नर्मदा नदी में अवैध रेत का खनन किया जा रहा है। अरे बुलडोजर चलाना है तो उन माफिया पे चलाओ, उन रेत माफिया पे चलाओ जो होशंगाबाद जिले में मां नर्मदा की छाती को छन्नी कर हजारों ट्रकों से रेत का उत्खनन कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के खुद के छोटे भाई
पूरे मध्य प्रदेश की रेत के माफिया के सरताज हैं, उनके संरक्षण में मां नर्मदा का आवेग उत्खनन पूरे मध्य प्रदेश में होता है। अरे मामा जी, आप कब कार्रवाई करोगे? जिन्होंने अवैध उत्खनन किया है, जिन्होंने अवैध जमीनें कब्जा की है, जो बड़े बड़े जो आसट्टा हर जिले में बड़े बड़े काम कर रहे अवैध काम कर उनके खिलाफ कार्रवाई करो। होटल द ग्रैंड पैलेस बनाए अपने खूबसूरत व यादगार पलों को और भी खास। द ग्रैंड पैलेस के परिणय बंधन के साथ शादी समारोह व पार्टियों को खास बनाने के लिए मनमोहक साज सज्जा के साथ स्वादिष्ट खाने का जायका लीजिए हमारे प्योर वेज केटरिंग के साथ। शॉल पार्किंग एरिया, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस। हमारा पता है होटल द ग्रैंड पैलेस, साईं वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर, मध्य प्रदेश।